नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। और सबको मेरे पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। और ये वीडियो शायद कल जाएगी, और आज है 1 तारीख। पता नहीं कब जाएगी, मुझे भी नहीं पता है कब जाएगी। जब एडिटिंग कर पाऊँगी तभी जाएगी। लेकिन मेरे पूरे फैमिली की तरफ से आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर, और आप लोगों का न्यू ईयर मंगलमय हो। और अभी मैं जस्ट नहा के आई हूँ। ये वाली साड़ी मैंने पहनी है, देख लो आप लोग। और कैसी लग रही है ये साड़ी आप लोग बताना कमेंट करके। और यहाँ पे बहुत सारे सितारे लगे हैं ना, गढ़ता बहुत तेज है, इसलिए मैं इसको कम पहनती हूँ। और बहुत पुरानी साड़ी है, मेरे शादी की टाइम की साड़ी है। पर साड़ियाँ हैं तो कहाँ फेंक सकते हैं, तो मैंने कहा चलो ठंडक में इसको पहन डालते हैं। कुछ साड़ियों को निकालते हैं, पहन डालते हैं। और वहाँ पर बिट्टू बैठी हैं अपना डेंट मेंट होके, बस सबको बच्चों को नाश्ता वास्ता देना है। और आप लोग बताइए आप लोगों का 2020 कैसा गया? मेरा तो अच्छा भी था, खराब था, दोनों तरह था। मतलब अच्छा भी था, खराब था, ज़्यादा खराब नहीं था, अच्छा ही था मेरे लिए। क्योंकि नई नई जो है चीज़ें मुझे मैंने 2020 में सीखी है, नए नए जो है अनुभव मुझे हुए हैं, नए नए मुझे फ्रेंड मिले हैं, नए नए जो है क्या कहते हैं, और बहुत सारा आप लोगों का प्यार मिला है, सम्मान मिला है, आप लोगों का दुलार मतलब मिला है। और ये है कि मैं 2020 में आत्मनिर्भर हो गई YouTube के तरफ से। क्योंकि मुझे जब पहली सैलरी आई तो मुझे लगा कि हाँ मैं भी कुछ कर सकती हूँ अपने बच्चों के लिए, अपने लिए। तो ये मतलब मैं इसलिए मतलब आप लोगों को बता रही हूँ कि हर औरत जो मतलब हाउसवाइफ होती हैं, मतलब जिनकी पोजीशन मेरे जैसी होती है, ज़्यादा लोग नहीं जानते, सब नात रिश्तेदार जानते हैं, उनके लिए बेस्ट चांस है YouTube पे आने का, YouTube से पैसे अर्निंग करने का। क्योंकि आप अर्न करके अपने बच्चों के लिए, अपने लिए कुछ कर सकते हो, अगर आपकी फैमिली कंडीशन जो है अच्छी नहीं है। तो मेरी अच्छी नहीं है, अभी भी नहीं अच्छी है, लेकिन पहले से अच्छी है। मैं ये कहूँगी पहले से बहुत अच्छी है। 50% जो है मैंने अपनी फैमिली कंडीशन अपने दम पे सुधारी है यूट्यूब के बदौलत। आप लोग भी सुधार सकती हैं। और मैं दो मतलब चैनल का नाम लेना चाहूँगी। एक चैनल का नाम है शशि का संसार, और दूसरे चैनल का नाम है गरीब फैमिली। तो उन दोनों चैनल को आप लोग प्लीज़ जाके सपोर्ट करिए। और भी कई चैनल हैं पर मुझे नाम नहीं है याद। एक्सेस मौर्या ऐसे कुछ करके एक चैनल है, एक्सेस मौर्या है ना बिट्टू, एक्सेस मौर्या ऐसे कुछ करके चैनल का नाम है उनका। कमेंट मतलब मेरे हर वीडियो पे आता है। आप लोग उनके भी चैनल पे जाइएगा और उनको भी सपोर्ट करिएगा। यहाँ देखिए बिट्टू क्या कर रही है, ये देखिए ये बेल्ट मंगवाई है अपने लिए और लगा रही है मुझे, है ना। इनकी बेल्ट भला मुझे कैसे होगी, आप लोग देख लो इनका क्या कर रही है। चलते हैं फिर नाश्ता बनाते हैं, देखते हैं आज की वीडियो में क्या है। आप लोग भी हमारे लिए दुआएं करिएगा, अपना आशीर्वाद दीजिएगा। ज़्यादा आप लोगों के आशीर्वाद की मुझे ज़रूरत है, आप लोगों के प्यार की ज़रूरत है, तो वो मुझे मिलता रहे बस वही मेरे लिए काफ़ी है। और आप लोग मुझसे हमेशा जुड़े रहें, मैं भी आप लोगों से हमेशा जुड़ी रहूँ। और भी बहुत सारी बातें हैं, अभी बाद में करूँगी, पहले मैं पूजा पाठ कर लूँ और थोड़ा सा बच्चों को नाश्ता दे दूँ, क्योंकि 10 बज गए हैं और हम लोगों ने अभी कुछ भी खाया पिया नहीं है। और बहुत ज़्यादा ठंडक वंडक थी, आप लोग भी ठंडक में बचाव कीजिए, मुझे तो ठंडक हर साल ठंडक लग जाती है। और ये देखो आप लोग ये क्या कर दी, बेल्ट पहना के मुझको घुमा रही है, साड़ी पे बेल्ट पहनाई है मिट्टू मुझे साड़ी पे बेल्ट पहना के घुमा रही है और ये देखिए, रुको रुको रुको, कमरे में झाड़ू पोछा हो गया है और कमरा एकदम साफ सुथरा है, सब कुछ हो गया है अभी मैंने कपड़े नहीं धुले हैं अपने, और अभी धुलूंगी। थोड़ा मुझे अस्कत खुद ही लग गया, क्योंकि ठंडा ठंडा पानी था ना, तो अस्कत लग गया मुझे। और अभी पूजा उजा करके आप लोगों से मिलती हूँ मैं। और उस दिन की वीडियो वहीं पे छूट गई थी, क्योंकि मुझे कहीं जाना पड़ गया था तो मैंने वीडियो शूट नहीं किया। और ये दूसरे दिन की वीडियो है, और ये मेरे पीछे खेत की जो है गोभी गोभी है, उसी की सब्ज़ी मैं बना के आप लोग को दिखा रही हूँ।
वैसे तो मैं ये रेसिपी आप लोगों के साथ बहुत बार मैंने शेयर किया है, पर प्लीज़ आप लोग माइंड मत करिएगा, गुस्सा मत होइएगा कि हम लोग मतलब इतने अमीर नहीं हैं, हम लोग मिडिल क्लास परिवार से ही हैं और बस ये हो जाता है कि हमारा गुजारा हो जाता है किसी तरीके से, खाने पीने की व्यवस्था हो जाती है, भगवान की दया से 2 टाइम का खाना भी मिल जाता है। और जिनको ये भी नहीं नसीब होता है तो वो लोग कैसे रहते होंगे, मैं तो इसी में खुश रहती हूँ कि चलो ये तो मिल रहा है, तो ये हम लोग पीछे जो है जो साग सब्जी बोए हैं वहीं का है, तो गोभी तो मैंने काट लिया है और अब काटूंगी जो है ये काटूंगी नहीं, मसाले के लिए मैंने देखी लहसुन की पत्ती रखी है, मिर्चा रखा है और प्याज काट के रखूंगी और सबको धो लूंगी, उसके बाद पीस लूंगी और यही हमारा मसाला होता है, क्योंकि लहसुन हमारे वहाँ ख़त्म हो गया तो लहसुन की पत्तियाँ मैं पीछे खेत से ले आती हूँ और वही पीस के काम चला लेती हूँ, क्योंकि जो है अभी लहसुन महंगा है, सस्ता नहीं है, तो इसी वजह से नया लहसुन हमारे वहाँ नहीं आया है और इसी वजह से जो है मैं पत्तियाँ ही पीसती हूँ। अभी 1 महीने तक ऐसे ही चलेगा और देखते हैं कब आता है, जब आएगा तो मैं आपको दिखा दूँगी। और उसके बाद हमारा तेल हो गया था गर्म, तो उसमें मैंने डाला है गोभी और गोभी को ब्राउन होने तक भूनना चाहिए। और कई तरीके की गोभी की सब्ज़ी बनती है, आप लोग भी कई तरीके से बनाते होंगे, पर मेरे वहाँ यही वाला ज़्यादा पसंद किया जाता है तो मैं ही ज़्यादा बनाती हूँ। और जिस तरीके की आप घर में पसंद लोग करते हैं उसी तरीके का आपको बनाना भी चाहिए। तो बस यही सिंपल सी आज मेरी वीडियो है और ये मैंने दूध मंगवाया था 1/2 लीटर, तो इसको इसका बनाने को बोल रही हूँ कॉफ़ी, क्योंकि कॉफ़ी जो है हम लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है और जब से गाय ने मतलब दूध देना बंद किया है ना, तो दूध के लिए तरसना पड़ जा रहा है, क्योंकि 2 लीटर 1.5 लीटर जो आता है चाय पानी में ही चला जाता है, कोई ना कोई रोज़ी आ जाता है मेहमान, तो वैसे भी 3 बार 4 बार चाय हमारे वहाँ बनता ही है तो ख़त्म हो जाता है। पापा भी दूध पीते हैं, छोटे वाले बच्चे पीते हैं उनके देवरानी के, मेरे बच्चे नहीं पीते हैं क्योंकि जब मेरी गाय लगती है तभी मैं पिला पाती हूँ, मैं ख़रीद के नहीं पिला पाती हूँ। और बस ये टमाटर मैंने काटा है और इस समय का टमाटर ना खट्टा खट्टा होता है, मतलब इसका स्वाद बहुत अच्छा होता है और खाने में भी बहुत टेस्टी होता है ना। और ये वाली कढ़ाई जो ना पिछले साल खरीदी गई है, लेकिन इसमें पता नहीं क्यों कालापन है, कितना भी रंग हो ना ये साफ़ नहीं हो रहा, जबकि मेरी दूसरी वाली जो कढ़ाई है टूटी वाली ना, जिसमें दोनों तरफ से मतलब चूल्हा नहीं है, वो वाली कढ़ाई जो है ज़रा सा ही उसको मतलब धुल मतलब माज दो धुल दो तो चमक जाती है, लेकिन इस वाले का शायद सिल्वर ख़राब है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। और चावल भी धुल लेते हैं और चावल भी अभी बना के रख लेंगे, तो दूसरी तरफ जो है मसाला हमारा भुना रहा है, तो मैंने चावल हल्का धुल लिए और उसके बाद आटा गूंथना रह जाएगा और चटनी पीसना, चटनी तो इससे हमें रोज़ी हमारे वहाँ पिसा जाता है, जो कि सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है धनिया की चटनी, अगर रोज़ नहीं तो हर तीसरे दिन पर जो है पिसा जाता है, क्योंकि थोड़ा स्वाद बढ़ जाता है खाने का ना। और ये देखिए हमारा मसाला भुना गया है, इसलिए हम डाल देंगे आलू टमाटर गोभी और इसको काफ़ी अच्छे से चला देंगे। और आज मैंने टमाटर जो है अभी नहीं डाला है और अभी वो लास्ट में डालूंगी, क्योंकि जो है आज मेरा मन दूसरे तरह के बनाने का है, क्योंकि खट्टापन टमाटर का मुझे लेना है, तो इसलिए मैंने मसाले में जो है नहीं भुना है, तो इसके लिए प्लीज़ आप लोग माफ़ कर दीजिएगा, आप लोग सोचते होंगे किस तरह से खाना बना रही हैं। तो मैं मतलब कुछ सोच रही थी, ऐसे अपसेट थी आज और कुछ हो गया था, ऐसे ही प्रॉब्लम हो गई थी, तो ये सब अपना सोच रही थी और 2-4 ऐसे कमेंट आ गए थे कि मैं उनको पढ़ के थोड़ा सा डीमोटिवेट हो गई थी, लेकिन जब मैं काम करती हूँ ना तो धीरे 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 उस वही बातें सोचा करती हूँ और काम अपना करा करती हूँ, इसीलिए कभी कभी उल्टा पलटा हो जाता है। और बस और कोई बात नहीं है, हो ऐसी क्या करना है, जिसको जो कहना है कहने दे, और हाथी तो अपनी चाल चलेगा और उसके पीछे जिसको भूखना है भूखे हाथी चले अपनी चाल, कुत्ते भूखे हजार, वही वाली कहावत है,
यार किसी को कुछ बुरा भला कहने से क्या मिलता है, लोगों को मैं समझ नहीं पाती हूँ। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आता, लोग मतलब इतना किसी से जेलस कैसे हो जाते हैं, किसी से इतनी नफरत कैसे कर लेते हैं, मुझे नहीं समझ में आता है। तो बस सब्जी चावल मेरा हो रहा है और आटा अभी मैं लगा दूँगी और टमाटर डालना बाकी है। तो 50% जब सब्जी हो जाती है तभी मैं टमाटर डालती हूँ, वो भी गल जाती है अच्छे से और खाने में भी बहुत टेस्टी सब्जी लगता है, हल्का हल्का खट्टापन रहता है तो अच्छा लगता है खाने में। आप लोग भी बना के देखिएगा। और मैं चावल जो है खुले में बनाती हूँ, कुकर बंद करके नहीं, ढक्कन मैंने बंद किया था पर उसमें रबड़ मैंने नहीं लगाया। तो मैं बना रही हूँ चावल और आलू गोभी मटर टमाटर की सब्जी जो मैं कल जो है खेत से लाई थी और कल जो है मेरे घर में पनीर आ गया था तो उसकी सब्जी मैंने बनाई और गोभी वाली सब्जी नहीं बनाई और सॉरी मैंने नहीं बनाई थी, मेरे हस्बैंड ने बनाई थी। तो वो कह रहे थे मेरी जो है दाढ़ी को बड़ी बड़ी है, सूट मत करो अच्छा नहीं लगेगा वीडियो में, लोगों को नहीं पसंद आएगा। तो मैंने नहीं सूट करी और ये देखिए अभी मैंने पानी पिया है ना, जस्ट पानी पिया है तो पानी गिर गया है यहाँ पे। और आज ठंडक कम है और मौसम भी बहुत अच्छा है और मैं भी अच्छी हूँ, मेरी तबीयत पहले से अच्छी है। और जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह सपोर्ट कीजिए, अपना प्यार दीजिए और माता रानी चाहेंगी तो मैं भी सबकी सपोर्ट करूँगी, उस लाइफ को जाऊँगी तो सबको मैं भी मोटिवेट करूँगी, क्योंकि जो है मैं चाहती हूँ कुछ बहनों की हेल्प करना और उसके लिए आप लोगों को मेरी हेल्प करनी पड़ेगी पहले। और अभी मेरा सब्जी हो रहा है, चावल हो रहा है, आटा गूंथ के मैंने रख दिया है और मेरी देवरानी ने कलौजी बनाई थी तो अभी मैं आप लोगों को कलौजी दिखाती हूँ कि कैसी उन्होंने बनाई है। और बस यही है छोटा सा हमारा ब्लॉग, आप लोगों को हमारा ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। और अभी और कुछ ऐड कर पाऊँगी तो ज़रूर ऐड करूँगी। और लोग जो है इतने मतलब वाहियात किस्म के कुछ लोग होते हैं, इतने गंदे गंदे कमेंट करते हैं यार, मुझे अजीब तरह लगता है। कोई इंसान अगर बढ़ना चाहता है आगे तो आप उसे बढ़ने में आगे बढ़ने में सपोर्ट करो, ना कि उसे डीमोटिवेट करो। डीमोटिवेट किसी को भी नहीं करना चाहिए। कैसी किसी मतलब कई ऐसी बहनें मेरे चैनल पे आती हैं जो मुझे कहती हैं मैम मुझे 1.5 साल हो गया, कोई कहता 2 साल हो गया मेरा चैनल ग्रो नहीं किया, आंसू वाला वैसे स्टोचू वो लोग लगा देती हैं, मेरा भी मन रोता है पिघलता है। काश मैं भगवान उस लायक होती हूँ, लोगों की हेल्प करवाती, बस अंदर से अपने आप को कोसती हूँ कि मैं उस लायक नहीं हूँ, लेकिन मेरे कोसने से भी भगवान नहीं सुनते हैं, भगवान पता नहीं कहाँ जो है बैठे हैं नाराज होके। और एक मतलब कमेंट आया था एक दिन और जिस दिन मुझे करंट मारा था उस दिन की मैं बात कर रही थी, इतना मतलब वाहियात कमेंट था वो और मैंने तुरंत उनको हाइड कर दिया। वो एक लेडीज ही थी तो उन्होंने मतलब कमेंट किया कि ये तुम्हारे बुरे कर्मों का नतीजा है, तो मैं उनको यही मतलब जवाब देना चाहूँगी और तुमको करंट लगा तुम मर गई होती। यार मैं मर गई होती क्या, तुम मेरे बच्चों को पालने आती पोसने आती या मेरे हस्बैंड को देखने आती, परिवार में मेरी जगह तुम पूरी कर देती, अगर पूरी कर देती तो मैं मर जाऊँ, 2 बच्चे हैं मेरे कौन पूरा करे, उनका देखेगा सब चीज़ पूरा करेगा, उनकी जिम्मेदारी उठाएगा, तुम उठाओगी, इतने भद्दे कमेंट मत करो प्लीज़। तो बस अभी आप लोगों को मैं दिखाती हूँ थोड़ा सा और अभी मेरा चावल उबलना गिर रहा है। तो ये देखिए चावल हमारा पूरा है और अब इसको बंद कर देंगे, आँच जो है एकदम धीमा कर देंगे। और ये देखिए मैंने जो है रबड़ नहीं लगाया, ऐसे ही मैं चावल ज़्यादातर बनाती हूँ, ज़्यादातर तो भगाने भगोने बनाती हूँ। और ये देखिए हमारे वहाँ आज बनी है करेली की कलौजी, मेरी देवरानी ने बनाई है और सब्जी है आलू गोभी की और चावल है, दाल है, दाल दिन का है, इस टाइम का दाल नहीं है। तो मतलब मेरा खाने का मन हो रहा था क्योंकि कलौजी के साथ मुझे दाल जो है बहुत अच्छा लगता है। तो सब लोग खाना खा रहे हैं और मैं भी खाने जा रही हूँ, आप लोग भी आ जाओ खाने के लिए। तो बर्तन वर्तन तो धुलना ही है तो मैंने कहा चलो सब खाली भी कर देते हैं लगे हाथ, क्योंकि सब बर्तन अगर समेट लो ना तो अच्छा रहता खाने से पहले, तो मैंने कहा चलो समेट लेते हैं और अब मैं जा रही हूँ खाने। आ जाइए आप लोग भी खाना खाने के लिए और
लाइट चली गई है, इन्वर्टर चल रहा, तो ये लीजिए पहला निवाला आप लोगों के लिए। खाने के बाद आप लोगों से मैं मिलती हूँ।